आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और फटाफट बन जाती है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाना। उसके लिए लिया है मैंने ये 250 ग्राम कद्दू, जो मैंने छील कर बीजे निकाल के और इसको धोकर अच्छे से रख लिए। और दूसरे साइड मैंने लिए हैं ये राई ज़ीरा, हल्दी, नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू। तो ये मैंने राई ज़ीरा तड़के के लिए ले लिए। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ कद्दू की सब्ज़ी बनाना। यह मैरिज वगैरह में बहुत बनती है और बड़ी टेस्टी रहती है। तो इसके लिए हमने लिया ऑयल, ऑयल को अच्छे से गरम कर लीजिएगा तेज़। और उसमें मैं डाल लेती हूँ अब अपना राई ज़ीरे का तड़का देती हूँ उसमें। ये मैंने राई ज़ीरा डाल लिया, इसको अच्छे से गरम हो जाने देती हूँ, उसको बिल्कुल तड़का लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, आधा चम्मच नमक लिया मैंने। और मैं डाल देती हूँ इसमें आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर और ये 5 से 6 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, उसको बारीक रखा ताकि ये मुंह में ना आए और ना तीखी, ज़्यादा तीखी लगे। मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। बस इसके बाद अब मैं डाल देती हूँ इसमें अपना कद्दू कटा हुआ, ये छिलका हटा हुआ कद्दू है इसलिए बहुत जल्दी गल जाएगा। इसको मैं फुल फ्लेम पे और लगातार हाथ चलाते हुए गला लूँगी। इसमें ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, वो फटाफट बन जाता है। ये फुल फ्लेम पे ही बनाइएगा, लो या मीडियम पे मत बनाइएगा क्योंकि जल्दी गलता है, इसलिए हाथ चलाते हुए लगातार इसको बना लेती हूँ। मैं इसमें खटास के लिए इमली वगैरह कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि ये हम पूरे बन जाने के बाद नींबू डाल के अलग से खाएंगे। तो ये मेरे कद्दू की सब्ज़ी पूरी तरह बन के तैयार हो गई, ये चंद मिनटों में ही बन के तैयार हो गई। ये देखिए पूरी गल गई, इसको लगातार हिलाते हुए मैंने फुल फ्लेम पे बनाई थी। ये मैंने इसको हरे धनिया से गार्निश कर लिया और ये मेरी सब्ज़ी बन के एकदम तैयार है। चलिए तो इसको मैं एक बॉल में शिफ्ट कर लेती हूँ। और ये अब खाने के लिए एकदम तैयार है। नींबू के साथ इसको खाइए और बताइए कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।